वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड है csir नेट हाउ टू क्वालिफाई। इससे पहले मैं एक और भी मैंने वीडियो अपलोड किया था और उसी सिलसिले में ये मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद आपको मेरा पुराना वीडियो पसंद आया होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे तैयारी करें और कौन सी नेट की बुक्स आपके लिए बेस्ट बुक्स हैं, कैसे उनको पढ़ें। और आज मैं आपके सामने एक न्यू आइडिया लेके आया हूँ जिसको मैंने एनालाइज किया है और मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके पेपर की बात करूँ तो नेट का पेपर 3 पेपरों में डिवाइड होता है, पार्ट ए, बी एंड पार्ट सी। ये तो मैंने आपको बता दिया पहले। और इसमें जैसे आपको पता है आपने ए से 15 क्वेश्चन करने हैं, बी से 35 करने हैं और सी से 25 करने हैं, 25, 35 एंड 25। एंड टोटल देयर आर द 75 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ, यू नो वेरी वेल, 20, 50 एंड 75 आउट ऑफ 20, 50, 75, दैट इज़ अबाउट 145। यू हैव टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 145। एंड इफ आई कंपेयर द मार्क्स टोटल फ्रॉम दीज, 15 × 2, 35 × 2, 25 × 4, बिकॉज पार्ट ए एंड बी कैरीज द 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड सी कैरीज द 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड हियर कम 30, 70 एंड 100, एंड दैट इज़ द 200 मार्क्स एंड यू हैव गेन योर मार्क्स फ्रॉम द 200 मार्क्स। लेट्स ट्राई हो वी कैन गेट द मार्क्स। आगे बात आती है कट ऑफ की जो वेरी मेन है। अगर मैं बात करूँ पिछले काफ़ी टाइम से 5-7 सालों से इस जो लाइफ साइंस का जो नेट है इसकी जो कट ऑफ जो हाईएस्ट आ रही है 55 और 58, इससे ज़्यादा नहीं आ रही, और ये जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी एससी, ओबीसी एंड एसटी और हैंडीकैप जो हैं इनके लिए इससे भी कम है। तो ऐसे अगर इसको मैं कंपेयर करके देखूं और मैं आपको बताऊंगा भी आपने कितने मार्क्स लेने हैं और कैसे आप क्लियर कर सकते हो, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। अगर हमारी कट ऑफ 55 से 60 तक जाती है तो हमें लेने हैं 120 मार्क्स, ओके, 50 और 60% हो 200। अगर 55 तक जा रही है 110, अगर 50 तक जा रही है 100, अगर 40 तक जा रही है तो 80, अगर 35 तक जा रही है तो आपने कितने लेने हैं, 35 × 200 × 100, तो ये आपके आ जाते हैं 70 मार्क्स। पर मैं आपको यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। कहने का मतलब है आपने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ये सोच के पेपर नहीं देना कि मैंने 75 क्वेश्चन ही करने हैं। और आपने क्वेश्चन कितने करने हैं ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। अगर पार्ट ए, बी एंड सी देखें, अगर उसको हम एनालाइज करें तो अगर हम ए पार्ट को लेकर चलें भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इस मेंटल अवेयरनेस का आता है, मेंटेबिलिटी का। तो चलिए इससे मैं आपको लेता हूँ सिर्फ 5 क्वेश्चन इसके करिए। और बी पार्ट के आपने क्वेश्चन करने हैं 35, और 35 से आप करिए 25 लेके चलिए। और सी पार्ट से आपने करने हैं 25 और इससे आपसे 17 क्वेश्चन लेके चलिए। अगर इसकी मैं कैलकुलेशन करूँ तो आपको बताऊँगा आपके कितने मार्क्स आएंगे। इसके आएंगे 10, 50, 68। अगर इनको आप ऐड करो तो आपके बन जाएंगे 68 + 60, 128। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम आज तक जो मार्क्स आए हैं वो 120 तक की कट ऑफ गई है। तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी। और ज़्यादातर जो बंदों का नेट क्लियर नहीं होता इसी गलती से नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन फंस जाते हो। आपको कोई क्वेश्चन लगता है मुझे ये आता है तो आप उससे ओवर अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हो, या आपने जो दिमाग में रखा मैंने इतने करने हैं उससे ज़्यादा कर लेते हो और इससे आपका नेट क्लियर नहीं हो सकता। चलिए अगर हम लेके चलें पार्ट ए बी सी की द्वारा कैलकुलेशन करें, अगर हमने 5 इससे किए हैं और अगर आप इससे
35 से आप 22 करो और यहाँ 15 करो, फिर आपके कितने आ जाते हैं। तो यहाँ आपके आ जाते हैं 114 और ये भी एक अच्छा परसेंटेज है और यहाँ तक नेट क्लियर करना आसान है। तो अगर आप 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन टोटल ऐड कर लो, कितने बने 14। अगर आप मन में लेके चलो कि मैंने सिर्फ नेट में 40 क्वेश्चन ही करके आने हैं, तो आपका नेट क्लियर होना काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है JRF की। अगर JRF ना भी हो तो अगर आपने 40 क्वेश्चन डेड श्योर किए हैं, आपको आते हैं जो, तो आपका LS तो 99% है कि आपका क्लियर हो जाएगा जी। मेरी बात आप ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपने कितने क्वेश्चन करने हैं। चलिए आगे बात करते हैं कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। मैं यहाँ पार्ट ABC में से सिर्फ पार्ट B और C की बात करूँगा, जो कि हमारा अपना सब्जेक्ट है। A की मैं बात नहीं करूँगा, वो आप अलग किसी वे में आपको तैयारी करवाऊँगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं अगर मैं बात करूँ, तो मैंने पेपर को अच्छी तरह से एनालाइज़ किया और मैंने देखा है जो सब्जेक्ट्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोकेमिस्ट्री, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, डेवलपमेंट, इन सब्जेक्ट्स का अगर मैं कंपैरिजन करूं, इनको मैं अगर देखूं, तो यहां अगर हम बात करें पार्ट B और C की, तो मैंने जो पेपर को जब एनालाइज़ किया तो मैंने देखा है, तो बायोकेमिस्ट्री में पार्ट बी के, बायोकेमिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं और सी में 4 से 5 आ रहे हैं हर बार। अगर मैं सेल बायो की बात करूं तो बी में 3 से 4 आ रहे हैं और सी में 1 से 2 आ रहे हैं। अगर इम्यूनोलॉजी की बात करूं, 3 से 4 बी में आ रहे हैं और 2 से 3 तक सी में आ रहे हैं। अगर मैं फिजियो की बात करूँ, फिजियो की बात करूँ तो पार्ट बी में आपके 3 से 4 आ रहे हैं और सी में आपके 10 तक भी क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो 5 से 6 आपके बी के आए हैं, 10 से 12 आपके सी के आए हैं। डेवलपमेंट की बात करूं, 7 से 8 आपके बी में आए हैं और 8 से 10 आपके सी में आए हैं। तो दोस्तों, इससे आपको क्या क्लियर होता है, आपने पार्ट बी का जो पढ़ना है और पार्ट सी का जो पढ़ना है, और अलग अलग स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो पार्ट बी में कौन कौन से टॉपिक हैं, 7 से 8, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ 7 से 8 और 5 से 6 भी आ रहे हैं। तो आपने पार्ट बी के लिए जो प्रिपेयर करना है, वो आपने ज़्यादा बी के लिए एम्फेसाइज करना है, इम्यूनोलॉजी के लिए, उसके बाद आपकी बायोकेमिस्ट्री के लिए, देन आपकी फिजियोलॉजी के लिए और जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट के लिए। और बी पार्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें फंडामेंटल आता है, बी पार्ट इतना टफ नहीं होता है, और जो सी पार्ट होता है वो काफ़ी एलेबोरेटेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल आता है। तो आपको जो सी पार्ट करना है उसके लिए आपने चूज़ करनी है, जो हाई स्टडी आपने करनी है वो आपने ज़्यादा क्लियरली, अगर आप मैं बता दूँ तो आपने क्या किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, जेनेटिक्स आपने डीप में पढ़नी है, डेवलपमेंट बायोलॉजी, डेवलपमेंट आपने बी डीप तक लेके जानी है, और आपने फिजियोलॉजी ये भी आपने डीप में पढ़नी है अगर आपने सी पार्ट को क्लियर करना है। अगर मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आपके जेनेटिक्स के, सी पार्ट के अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो यहाँ कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, डेवलपमेंट के कम से कम 8 मिल जाएंगे, फिजियो के कम से कम 8 मिल जाएंगे। तो यहाँ अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ 22 बन रहे हैं। तो आप देखिए मैंने यहाँ आपको कितना फिगर बताया था, मैंने आपको 15 तक बताया था करने को, यहाँ आपको 22 क्वेश्चन मिल गए हैं। तो अगर आप पार्ट सी को 3 सब्जेक्ट के लिए ही फोकस करें, कि मैंने पार्ट सी में सिर्फ 3 ही पढ़ के जाने हैं, तो आपको ईजिली पार्ट सी में मोर देन 100 मार्क्स आ जाएंगे। 100 तो नहीं, 80 तो आप ले ही लोगे, ये तो मुझे श्योर है। आई होप फ्रेंड आपको जो मेरा वीडियो पसंद आया, और आज हमने क्या सीखा है, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन के मार्क्स कितने आते हैं ये भी,
और पार्ट्स जो हैं आपकी ए बी सी कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कितने आपने अटैम्प्ट करने हैं। मैंने आपको 40 का रेशियो लेके चला है कि आपने 40 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको मैंने आज ये भी बताया बी पार्ट में आपने कौन सा ज़्यादा पढ़ना है और सी पार्ट में आपने कौन सा ज़्यादा पढ़ना है। आई होप अगर आप इस वे में तैयारी करोगे आपका नेट जरूर क्लियर होगा। और मैं आपको बेस्ट विशेज देता हूँ, जो दिसंबर वाला नेट आपका क्लियर हो, प्लीज़ आप इस रूल को फॉलो करके देखिए और आपको काफ़ी हेल्प होगी नेट क्लियर करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।